साथियों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घनश्याम दास अरोड़ा के निवास स्थल के बाहर से, जहां पर आप देख सकते हैं आपका वर्कर चौकी घनश्याम दास अरोड़ा के निवास स्थल पर पहुंच चुकी है। वहीं किस तरीके से थालियां बजाई जा रही है, अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। मेरी आप सभी से यही अपील रहेगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और आप सभी को जानकारी दे दे आज अपनी मांगों को लेकर। जी हाँ, अपनी मांगों को लेकर, अधिकारों को लेकर आशा वर्कर्स ने घनश्याम दास अरोड़ा के निवास स्थान के सामने घेराव कर दिया है। और वहीं आप देख सकते हैं कुछ ही समय पश्चात मुख्यमंत्री का पुतला भी जो है यहाँ पर फूंका जाएगा। मेरी आप सभी से यही अपील रहेगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आप देख सकते हैं आशा वर्कर्स यहाँ किस तरीके से थालियां बजाती हुई नजर आ रही है। वहीं अब पुतला यहाँ पर फूंका जाएगा घनश्याम दास अरोड़ा के निवास स्थल के बाहर से। सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आशा वर्कर्स अपना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। और आप सभी से यही अपील रहेगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें अपना विचार जरूर साझा करें। तो साथियों आप देख सकते हैं आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर घनश्याम दास अरोड़ा के निवास स्थल पर पहुंच चुकी है और वहीं जोरदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। कुछ ही समय पश्चात पुतला जो है जलाया जाएगा। तो साथियों आप देख सकते हैं आशा वर्कर्स द्वारा अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। और वहीं आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री का पुतला यहाँ पर फूंका जाएगा। तो आपसे अपील रहेगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें अपना विचार जरूर साझा करें। तो साथियों आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर जब हम सड़कों पे चलते हैं रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर हमारे प्रॉब्लम आते हैं कि हम जो है वो रास्ते बंद करते हैं, हम जाम लगाते हैं। हम ऐसा नहीं करते, हम शांतिपूर्वक अपन आंदोलन कर रहे हैं और ये हमारा मानपत्र मुख्यमंत्री जी तक पहुँचना चाहिए। अभी उन्होंने बुलाया 5 घंटे की मीटिंग करने के बाद हमें शाम को बात नहीं की कि उनकी तबीयत खराब है। उनकी तबीयत साथ ही खराब हो गई थी, उनकी तबीयत सुबह से भी तो खराब हो गई है। हम इतनी दूर से हमारे साथी सर इस हफ्ते का टाइम दिया था और अभी बातचीत के लिए कोई डेट नहीं दी है। हमारे साथी सर हर हफ्ते चल रहे हैं उधर से झज्जर से, इतनी दूर दूर से साथी आते हैं। ये हमारा मांग पत्र पहुँच जाना चाहिए सर, या तो उनसे बात कर लें, नहीं तो हम घर घर जाके गाँव गाँव जाके हम कैंडल मार्च भी कर रहे हैं, गाँव में सरपंचों से मिल रहे हैं, हम आम पब्लिक के बीच में इस बात को रखेंगे। सरकार हमारे साथ बहुत व्यवहार कर रही है और सर आशाएं हड़ताल पे हैं, इसकी वजह से गाँव में लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, बच्चों की डेथ हो रही है, महिलाओं की डेथ हो रही है, किसी बच्चों को होम डिलीवरी हो रही है, एक आदमी बात कर लो समझ आ जाएगी सर। स्टील बर्थ भी हो रही है, हम काम नहीं कर रहे ना सर, उससे स्टील बर्थ भी होती है, हो रही है, सिमटल डेथ भी हो रही है उससे, और इन्फेंट डेथ भी हो रही है, बच्चों का टीकाकरण नहीं हो रहा सर, सारे में डेंगू और चिकनगुनिया बड़ी बुरी तरह से फैल रहा है सर। मच्छरों पर कोई रुकावट नहीं है, कोई दवाई नहीं छिड़का हो रहा, कोई भी वो नहीं है सर। आपको सब बात का पता है, हर चीज़ बारीकी से पता है, क्योंकि आप जिले के यहाँ के पूरे हेड हो, हर एक बारीकी चीज आपको पता है। हम बस यही सोशल मीडिया के माध्यम से सर हम आपसे एक बार पहले हाँ जी आपके क्षेत्र की हाँ जी आपके क्षेत्र की यमुनानगर जिले की सैकड़ों हाँ जी
और उनकी ये 10 मांगे हैं जिसमें 65 साल की उम्र करना, पंजाब और वापस करना, 2018 वार्षिक शिक्षा देना, 2018 की नोटिफिकेशन के बाद आप सब पदोन्नति के लिए 26,000 रुपया मांग रही है। ये सारी बातें मैं माननीय मुख्यमंत्री सर ऐसा भी तो किया है, देखो हमें ना एक मंत्री ने 4,000 और मंत्री जी ने ये झूठा बयान दे दिया, अखबार की कटिंग हमारे पास है कि हम 2022 से आशा वर्कर को 19,600 रुपये दें, तो फिर हमने वो कटिंग उनके सामने सर हम रखेंगे। जब आप बातचीत के लिए गए थे तो कोई ना कोई अधिकारी से आपकी बातचीत हुई होगी। हाँ जी, हाँ जी। आपने वहाँ सारी बातें रखी होंगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके केस की पैरवी आपका वकील बन के माननीय मुख्यमंत्री। धन्यवाद।